नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। दोस्तों आज भी आप सभी के लिए बेहद इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोग आईपीएल के क्रिकेट के फैन हो, सबसे पहले सब्सक्राइब याद से कर लीजिए। शुरुआत करते सबसे पहले फोर टेस्ट मैच के साथ में। तो भाई चौथे टेस्ट मैच से पहले दो बड़ी अपडेट्स आ रही है। पहली अपडेट कि जसप्रीत बुमराह को जो है फोर्थ टेस्ट मैच से आराम मिल सकता है। भाई लगातार बुमराह तीन टेस्ट मैच खेले हैं, उनके वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए जो है बीसीसीआई बुमराह को फोर्थ टेस्ट मैच से आराम दे सकती है। आराम देगी ये बात कन्फर्म नहीं है, आराम दे सकती है ये बात हमारे सामने आ रही है। नेक्स्ट केएल राहुल को लेके आ रही है। केएल राहुल फोर्थ टेस्ट मैच में खेलने को लेके अवेलेबल है और वो फोर्थ टेस्ट मैच खेलेंगे। इसका मतलब साफ है, रजत पाटीदार जो है चौथे टेस्ट मैच से बाहर जाएंगे और केएल राहुल को जो है चौथे टेस्ट मैच में सीधा मौका मिलेगा प्लेइंग 11 के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये आ रही है आईपीएल 2024 के ओपनिंग सेरेमनी को लेके। तो भाई ओपनिंग सेरेमनी में जो है कार्तिक आर्यन परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देने वाले हैं आईपीएल 2024 के सेरेमनी में। नेक्स्ट अपडेट ये आ रही है फिलहाल आईपीएल 2024 के शेड्यूल को लेके। आईपीएल का शेड्यूल नहीं आया है इलेक्शन के चलते, लेकिन खबर आ रही है कि आईपीएल का जो शेड्यूल है वो दो फेजेस में आ सकता है। मतलब कि एक फेज़ वन होगा उसका शेड्यूल आएगा और जो फेज़ टू होगा उसका शेड्यूल अलग से आएगा। तो भाई ऐसी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे ही शेड्यूल को लेके कोई भी अपडेट्स आएगी या फिर आईपीएल की कोई भी नई अपडेट्स आएगी, मैं आप सभी को सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पर अपडेट दे दूँगा। वहाँ पर आप लोग नहीं हो तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो। जुड़ना कैसे है, मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का हमारे लिंक दिया है, क्लिक करो भाई टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन करो, बिल्कुल फ्री है। या फिर आप लोग आपके टेलीग्राम के ऐप पे जाओ, ऊपर सर्च कर लो क्रिकेट विद पवन और उसको याद से ज्वाइन करके रख लीजिए। नेक्स्ट अपडेट ये आ रही है केकेआर के खेमे से। केकेआर ने जो है ऑक्शन से इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज गस एटकिंसन, इनको जो है ख़रीदा था एटकिंसन को। भाई काफ़ी तेज़ गेंदबाजी करते थे लेकिन गस एटकिंसन जो है वो आईपीएल से बाहर हो चुके हैं, तब उनके बदले में जो है केकेआर की टीम ने श्रीलंका के तेज़ गेंदबाज दुष्वंता चमीरा इनको रिप्लेसमेंट के तौर पे साइन किया है स्क्वाड के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये आ रही है फिलहाल नेपाल क्रिकेट को लेके। जिस तरीके से बीसीसीआई नेपाल क्रिकेट को सपोर्ट करती है भाई, बहुत ही काबिले तारीफ़ है। अब यहाँ पे जो है बीसीसीआई ने ऐसा बोल दिया है, नेपाल की जो टीम है ना वो T20 की ट्राई सीरीज़ खेलेगी। किसके साथ खेलेगी? खेलेगी हमारी जो डोमेस्टिक टीम है गुजरात और बड़ोडा, दो जो टीम है ना इनके साथ नेपाल की टीम खेलने वाली है ट्राई सीरीज़, जो कि चालू होगी 31 मार्च से। क्यों? क्योंकि जो T20 का वर्ल्ड कप है उसकी प्रिपरेशन के लिए बीसीसीआई नेपाल की टीम को फिलहाल हेल्प कर रही है। दोस्तों यहाँ पे एट दी एंड बात करते हैं स्टोइनिस एरोन हार्डी की। आपको मैंने बताया था स्टोइनिस बाहर हो चुके हैं, उनके बदले में हार्डी को रिप्लेसमेंट के तौर पे T20 स्क्वाड में शामिल किया, लेकिन अब जो है एरोन हार्डी काफ इंजरी के चलते वो भी बाहर हो चुके हैं। तो ऑजिस के बोर्ड ने जो है ना उनके बदले में स्पेंसर जॉनसन इनको जो है रिप्लेसमेंट के तौर पर सीधा स्क्वाड में शामिल कर लिया है। तो दोस्तों ये थी हमारे पास आज की सारी अपडेट्स, मैंने आप सभी के सामने रख दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।